हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कैटरेक्ट जो होता है, लाइक जो मोतियाबिंद होता है उसके पार्ट्स के बारे में। लाइक काफ़ी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी आई डॉक्टर के पास जाते हैं, देन आपको बोलते हैं कि अभी आपको 6 मंथ ऑपरेट कराने की नीड नहीं है या 10 मंथ ऑपरेट कराने की नीड नहीं है, या फिर आपका अभी क्या है, आँख में सिर्फ मोतियाबिंद का धब्बा आया है। तो इस टाइप से आपके डॉक्टर, आपके आई डॉक्टर आपको कहते हैं, तो लाइक आप उसको थोड़ा जो है पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कितने दिनों में ये इंक्रीज़ होता है, लाइक क्या क्या होता है इसमें। तो इन सब के बारे में आज मैं डीपली आप सब लोग के बारे में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो में हमारे साथ बनी रहेगा। सो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट खज्जा खान। सो आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट क्या होता है, लाइक जिसको हम नॉर्मल भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं या सफ़ेद पानी बोलते हैं, लाइक आँख में क्या है, सफ़ेद पानी आ गया है, या आँख में क्या है, मोतियाबिंद हो गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि देखो मोतियाबिंद भी हमारे कई सारे टाइप्स के होते हैं। देन सडन डॉक्टर कह देते हैं कि आपको ऑपरेट कराने की नीड है, वरना काला पानी बन सकता है, या फिर आपको अभी ऑपरेट कराने में टाइम है, देन तब तक आप मेडिसिन लीजिएगा या फिर आप स्पैक्स यूज़ करिएगा। तो ये सारी जो कंडीशन जो होती हैं मोतियाबिंद की, सारी अलग अलग कंडीशन होती हैं, सो जिनके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जब मोतिया बनना स्टार्ट होता है आईज़ में, लाइक मोतिया की क्या है कंडीशन शुरू होती है या फिर मोतिया का धब्बा आता है, तब आपको वो कंडीशन, देन वो कंडीशन हमारी इमेच्योर कैटरेक्ट कहलाती है, लाइक जिसको हम बोलते हैं कि मोतियाबिंद अभी पूरी तरह पक्का नहीं है। देन उसके बाद जब इमेच्योर कैटरेक्ट के बाद जो हमारी कंडीशन आती है, देन उसको हम मैट कैटरेक्ट या मेच्योर कैटरेक्ट बोलते हैं, लाइक वो कंडीशन होती है आपके डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपकी आँख में मोतियाबिंद पक गया है, लाइक उसको आपको क्या है टाइमली ऑपरेट कराना है, देन जिससे क्या आपकी आँख की रोशनी अच्छी आए। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है हमारी, वो होती है हाइपर मेच्योर, लाइक इमेच्योर कैटरेक्ट से मेच्योर कैटरेक्ट में कन्वर्ट होती है, मेच्योर कैटरेक्ट से हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में कन्वर्ट होती है। देन वो कब होता है, देन कब प्रोग्रेस करता है, जब मैट कैटरेक्ट को हम टाइमली ऑपरेट नहीं कराते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में हमें कौन कौन सी कंडीशन मिलती हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और देन उनको ऑपरेट कराने के बाद हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट को हम क्या है उसको भी अगर टाइमली ऑपरेट नहीं कराते हैं, देन उस कंडीशन के बाद हमें ग्लॉकोमा की कंडीशन देखने को मिलती है, लाइक जिसको हम नॉर्मल भाषा में जिसको हम काला पानी बोलते हैं। तो हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में हमारे लेंस में दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, पहली है मॉर्गेनियन, देन दूसरा है स्क्लेरोटिक। तो व्हाट इज़ मॉर्गेनियन एंड स्क्लेरोटिक, मींस ये जो हमारी जो कंडीशन होती है वो हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में होती है। तो टाइमली जो सही समय जो होता है कैटरेक्ट को ऑपरेट कराने का, वो हमारा मैट कैटरेक्ट है। लाइक इमेच्योर कैटरेक्ट में भी डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी आपको 6 मंथ या 10 मंथ के बाद ऑपरेट कराना है, बट मैट कैटरेक्ट की कंडीशन ऐसी होती है कि आप नॉर्मली टाइमली ऑपरेट करा लीजिएगा, देन उसमें रोशनी ज़्यादा अच्छी आती है, रोशनी के अच्छे चांसेस रहते हैं। बट हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट थोड़ा सीवियर कंडीशन की तरफ जाता है, लाइक उसमें जैसे मैंने बताया था स्क्लेरोटिक और मॉर्गेनियन कंडीशन हो जाती हैं। अब ये स्क्लेरोटिक और मॉर्गेनियन क्या होता है, सो हमारा मॉर्गेनियन कंडीशन में क्या होता है, हमारी आँख में मॉर्गेनियन जो मोतियाबिंद है हाइपर मेच्योर होने के बाद कैटरेक्ट क्या है मॉर्गेनियन कंडीशन में आता है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमारा कॉर्टेक्स जो होता है, लेंस का एक पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसमें एक तरह का होल हो जाता है और वो क्या है हमारा लिक्विफाइड हो जाता है। देन पहला इसका ये है मेन, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन दूसरा इसमें क्या होता है, हमारा जो लेंस जो होता है वो मिल्की फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप वीडियो पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें क्या है मोतियाबिंद देखने को मिलता है नॉर्मली अपने डायग्नोस करने पर या स्लिट लैब एग्जामिनेशन करने पर। देन तीसरा इसमें जो पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करने का, वो जो कैल्शियम जो होता है वो हमारे लेंस पर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो कंडीशन भी हमारी। ये तीन पॉइंट हैं जो हमें हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में बहुत ही अच्छे से स्लिट
लैंप एग्जामिनेशन करके आइडेंटिफाई करने होते हैं, देन ये पॉइंट अगर हमें कुछ इस तरह के पॉइंट अगर हमें देखने को मिलते हैं हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में, इट मीन्स हमारा जो लेंस है उसमें हमें मॉर्गैनिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं स्क्लेरोटिक, लाइक स्क्लेरोटिक में क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है वो श्रिंकेज होने लगता है। लाइक श्रिंकेज का मीन्स है यहाँ पे लेंस जो होता है वो थोड़ा सिकुड़ने लगता है, H2O है, मीन्स उसमें जो वाटर है वो लीकेज होने लगता है और हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर क्या है इंक्रीज होने लगता है। एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्क्लेरोटिक वाली कंडीशन में क्या होगा, जो लेंस है वो सिकुड़ जाएगा, मीन्स जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में श्रिंकेज बोलते हैं, लाइक लेंस हमारा श्रिंकेज हो जाएगा क्योंकि HO2 उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे लीकेज हो रहा है जिसकी वजह से लेंस सिकुड़ रहा है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा आँख का जो प्रेशर है लाइक इंट्राओकुलर प्रेशर वो क्या है आपका इंक्रीज होने लगता है। लाइक इसलिए बोलते हैं जब मोतियाबिंद पक जाता है तो उसमें क्या है ग्लॉकोमा होने के चांसेस रहते हैं। सो देन दूसरा इसमें जो हमारा पॉइंट है स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो है हमारा, मैंने बताया था जो हमारा लेंस है वो श्रिंकेज होगा, लाइक हमारा जो एंटीरियर चैम्बर है वो डीप होगा और इसमें हमें आयराइडोनेसिस देखने को मिलेगा। मींस आयराइडोनेसिस का मींस क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ आइरिस, जो आइरिश है जो वो हमारी वाइब्रेट करेगी। लाइक इसमें क्या हो रहा था, लेंस हमारा सिकुड़ रहा था बिकॉज ऑफ H2O क्या है वहाँ पे लीकेज हो रहा था। लाइक हमारा जो आइरिस है वो वाइब्रेशन होगा, आइरिस में हमारा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, लाइक जिसको हम आयराइडोनेसिस बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन है हमारी वो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के बाद होती है। सो इसीलिए अगर आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, लाइक आपको मोतियाबिंद बताया आपके डॉक्टर ने, उसको टाइमली ट्रीटमेंट करा लीजिएगा, देन अगर वो पक जाता है हाइपर मैच्योर हो जाता है तो उसमें बहुत सारी कंडीशन जो है वो होने लगती हैं, लाइक काले पानी के चांसेस आने लगते हैं। देन जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आँख में एक बार काला पानी हो जाता है तो आपकी रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी सर्जरी काफ़ी मेडिसिन और सर्जरी के बाद भी रोशनी नहीं आ पाती। सो टाइमली अगर आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट कराइएगा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। लाइक अगर आप एक ऑप्टोमेट्री के सोल्यूशन तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।